क्या बात है, आज आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं। टेंशन में क्यों ना रहूं? बिटिया बड़ी हो गई है, विवाह के लायक हो गई है और हाँ। उसकी पढ़ाई भी पूरी होने वाली है। और बाकी सारे समाज वाले बार बार बोलते रहते हैं और मैं क्या जवाब दूं? कब करोगे? और मैं क्या जवाब दूं? अब उनका मुंह बंद करने के लिए शादी तो करनी पड़ेगी। इसमें टेंशन की क्या बात है, आप टेंशन मत लीजिए ना। क्या है ना कि अपनी बिटिया रानी की शादी हम अच्छा लड़का देखकर कर देंगे, इसमें टेंशन की क्या बात है। मैंने दो चार लोगों को बोला हुआ है, उन लोग हाँ। लड़के भी ढूंढ रहे हैं। अगर कोई लड़का, कोई अच्छा संस्कारी हमारे जैसे खानदान का वेल सेटल हो तो बताना। हाँ, हमारी बिटिया रानी किसी से कम थोड़ी है। अपनी बिटिया रानी के बारे में मैं बहुत सोचती हूँ। अपनी बिटिया रानी की मैं इतनी धूमधाम से शादी करूंगी ना कि माँ कसम देखने वाले देखते रह जाएंगे और पड़ोसी जल मरेंगे। हमको किसी को जलाना मराना नहीं है, सबको खुश रखना है। हमारी बेटी है ही ऐसी। हाँ वो तो है, अपनी बेटी में क्या कमी है। बड़े नाजु से पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया कि बड़ी धूमधाम से अपनी बिटिया की शादी करूंगा, बड़ी मन्नतों से मंदिरों में न जाने कितने पूजा पाठ किए, बस एक की तो बिटिया है, उसकी शादी अच्छे से, बहुत अच्छे से हो जाए, बस ये जीवन मेरा धन्य हो जाएगा। हाँ बात तो आप सही कर रहे हो, मैं भी माता रानी से यही दुआ करती हूँ कि मेरी बेटी जहाँ भी जाए बहुत खुश रहे और देवी माँ उसकी सारी खुशियाँ पूरी करें। और हम गर्व से कह सके हमारी बेटी है हमारी। बिल्कुल सही कहा। और हमारी बेटी भी खुश रहे। हाँ। आई लव यू। मी टू डियर। और अब सच बताऊं ना? बोलो ना। मैं बहुत सीरियस हूँ तुम्हारे लिए और तुम्हारे बगैर तो मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मेरा भी कुछ यही हाल है जान, मैं चाहता हूँ कि अब हम एक हो जाए। जानू तुम एक काम करो ना, अपने घर में बता दो ना, समय आ चुका है, हम शादी कर लेते हैं। ठीक है रवि, मैं अपने घर पर बात करती हूँ। और थैंक यू। मैं पूरी कोशिश करूंगी उन्हें मनाने की। थैंक यू सो मच। हमारी शादी जरूर होगी, तुम टेंशन मत। I love you too, darling. I love you so much. क्या बात है बेटा, किस टेंशन में हो, क्या सोच रही हो, कोई टेंशन तो नहीं है ना? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। आज तो तुमने खाना भी नहीं खाए। मम्मी मुझे भूख नहीं है। नहीं बेटा, थोड़ा कुछ खा लो, मन नहीं है खाना खाने का। आखिर बेटा क्या टेंशन है, जो कुछ भी है बता सकते हो तुम मुझको। अह
मम्मी वो बात यह है कि मैं स्टडी को लेकर टेंशन में हूँ। एग्जाम पास में आ गए हैं। अरे बेटा कोई बात नहीं बेटा, टेंशन लेकर काम नहीं होता है, तुम इतना टेंशन मत लो। अरे बेटी, अरे माँ बेटी में क्या गपशप चल रही है? अरे बिटिया रानी कुछ टेंशन में है, वो एग्जाम का टाइम आ गया है ना। अच्छा तो अच्छा, परेशान है। और बेटी तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, ठीक है ना? सब कुछ अच्छा चल रहा है पापा। और इस बार तो क्लास में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स भी आने वाले हैं। देखना क्लास में मैं टॉपर आने वाली हूँ इस बार। अरे बेटी किसकी है, मेरी मेरी। लेकिन पापा हा? मम्मी। हाँ बेटा बोलो, आप दोनों से मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बताओ बेटी, क्या बात करना है? मम्मी पापा बात ये थी कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और उसे शादी करना चाहती हूँ। पापा वो बहुत अच्छा लड़का है और वो मुझे बहुत खुश रखेगा। पापा मैं चाहती हूँ कि आप एक बार उस लड़के से मिल लो, वो बहुत अच्छा लड़का है और एक बार आप उससे मिल लोगे तो अच्छा लगेगा, और आप लोग का आशीर्वाद चाहिए था। अरे कौन लड़का है, करता क्या है, किस बिरादरी का है? पापा वो हमारे मोहल्ले में ही रहता है और उसका नाम रवि है। पापा लेकिन पापा वो हमारी बिरादरी का नहीं है। क्या? वो ब्राह्मण नहीं है पापा। बेटी कान खोल के सुन लो, ब्राह्मण समाज के अलावा और किसी भी जात के लड़के से शादी नहीं कर सकता। हम शाकाहारी ब्राह्मण हैं, मांस खाने वाले ऐसे लड़के से मेरा कोई भी ऐसा लड़का मेरा दामाद नहीं हो सकता। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पापा? और एक बात तो बताइए, आप किस जमाने में जी रहे हैं? अब ऐसा कोई भी अंतर नहीं रहेगा पापा। और आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? वो मेरे काबिल है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, तो इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम ही क्या है? यही ना कि वो हमारी कास्ट का नहीं है। पापा ये मेरी जिंदगी है और इसे मैं अपने तरीके से जीऊंगी, मुझे किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं। बदतमीज, तुमको शर्म नहीं आती? ये तुम्हारे पापा हैं और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई इनके साथ इतनी ऊंची आवाज में बात करने की? और पापा ठीक ही तो कह रहे हैं, शादी नहीं हो सकती मतलब नहीं हो सकती। ए, माचिस है क्या? माचिस? माचिस तो नहीं है मेरे पास। माचिस नहीं है? आग लेके घूम रहा है और बोलता है माचिस नहीं है। क्या बोल रहे हो तुम, क्या बदतमीजी है ये? बताया यार अपने बारे में। ओए अपनी औकात में रह, तुम हटो। क्या बदतमीज लोग है ये? देखो तुम लोग अगर ज्यादा बदतमीजी किए ना तो मैं तुम लोगों की कंप्लेन करूंगी। समझ में आया? ए, बस कर रहे, चल तू अपना काम कर। ए चलो ना भाई, इसको आके देखते अपन। छोड़ चलना, उधर जाते छोड़ना इन लोगों को, आके देखते इन लोगों को। ए ख्याल रख अपना, जल्दी मिलेंगे, चल बाय। ऐसे चूतिए लोग हैं। देखो तुम टेंशन मत लो, इनकी तो अंकिता ये क्या हुआ तुम्हें, ये तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ? बेटा बेटा ये क्या हुआ बेटा, तुम्हारे साथ कौन ऐसा किया? बोलो बेटा मुझे बोल, क्या हुआ बच्चे, बेटा बता। मम्मी मैं बर्बाद हो गई, मैं कहीं की नहीं रही,
सब खत्म हो गया। क्या हुआ बेटी? किसने एक तुम्हारे साथ ऐसा? आज जब मैं घर के लिए बस स्टैंड पर खड़ी थी, वहीं पर कुछ लोग आए, मुझे जबरदस्ती वहां से उठाकर एक कमरे में ले गए। मम्मी, तुम्हें कुछ तो याद होगा ना बेटा, कौन थे वो लोग, कैसे दिखते थे? मुझे कुछ नहीं पता। मेरी आंखों में पट्टी बांध कर मेरे साथ बहुत गलत काम किया गया। मुझे कुछ नहीं कौन पता। लोग थे बेटा? ठीक से पता नहीं, लेकिन पांचे लोग थे। उन लोगों ने मेरा बलात्कार किया। शांत हो जाइए। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, शांत रहिए। अरे तबीयत क्या, सब कुछ बर्बाद हो गया है। हम तो लुट गए, अब क्या करेंगे? अब हमारी सिंपानी जैसी बिटिया के साथ ऐसा हुआ। हमने तो ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हो जाए। अरे सोचा था घर में दूल्हा आएगा, घोड़ी आएगी, बारात आएगी, हमारी बेटी की शादी होगी। अब कौन करेगा हमारी बेटी से शादी? अब तो समाज में जीने के लायक भी हम लोग नहीं बचे। अरे लोग क्या क्या ताने मारे हैं, अरे हमको जीते जी मार देंगे। हम किसको वो दिखाएंगे? नजर हमारी बेटी में क्या बीत रही होगी? भगवान, तूने ये क्या किया हमारे साथ? भगवान एक ही तो बेटी थी, उसके साथ भी इतना न्याय हुआ? हिम्मत रखिए, अभी तो बिटिया रानी को भी हिम्मत देना होगा। हम लोग ऐसे रोएंगे तो बिटिया रानी को हिम्मत कौन देगा? वो तो टूट ही जाएगी। हिम्मत से काम लेना पड़ेगा हम लोगों को। उसके सामने हम लोग ऐसा करेंगे ना कि उसको थोड़ा भी दुख ना हो। हम लोग चलिए अपनी बिटिया रानी को हिम्मत देंगे, ताकि उसे हिम्मत मिले। सारी दुनिया कुछ भी सोचे, लेकिन वो तो हमारी बच्ची है, हमारी अपनी बच्ची। पुलिस स्टेशन चलते हैं, रिपोर्ट लिखाते हैं। नहीं जी, ऐसा मत कीजिए, हम लोगों की बदनामी होगी, समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, कहीं भी नहीं मुंह दिखा पाएंगे हम। बदनामी के डर से हम अपनी बिटिया को इंसाफ नहीं दिला पाएंगे। लेकिन हम लोगों को पता नहीं समाज जीने देगा कि नहीं। हम लोगों को सब कुछ छोड़ के गांव जाना पड़ेगा, घर भी छोड़ना पड़ जाएगा। क्या हो गया? किस कर्म की हमको सजा मिली है? तो ये मत, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ ना कुछ माता रानी जरूर रास्ता दिखाएगी। अब तो जो होना था वो हो गया। अंकल जी प्रणाम। नमस्ते, कौन हो बेटा तुम? अंकल जी मैं रवि। अंकिता ने आपको मेरे बारे में बताया होगा। अंकल जी मैं और अंकिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मतलब अंकल जी, पहले भी प्यार करता था, आज भी करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। मैं अंकिता को हमेशा खुश रखूंगा, मैं कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अंकल और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मुझे पता है उसके साथ में क्या हुआ है, लेकिन मैं ऐसे हालात में उसे अकेला कैसे छोड़ दूं? अंकल मैं उससे शादी करना चाहता हूं, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। अंकल हमें आप आशीर्वाद दीजिए प्लीज। अंकल हमें ना मत कहिएगा, मैं अंकिता के लिए कुछ भी कर सकता हूं। अंकल बेटा
मुझे माफ कर दो बेटा। अनजाने में तुम्हारे बारे में क्या क्या सोच बेटा, और तुम इतने अच्छे लड़के निकलोगे। मुझे मालूम ही नहीं था तुम मेरी बेटी को बहुत खुश रखोगे। बहुत खुश रखोगे बाबा। इसके साथ क्या क्या हुआ, उसे भुला के तुम नई जिंदगी देना चाहते हो बेटा। समाज में मान सम्मान देना चाहते हो, बहुत बड़े दिल के हो बेटा, बहुत बड़े दिल के हो। हमारी तरफ से ये शादी मंजूर है। थैंक यू अंकल। बेटा थैंक यू। शादी के तुम मेरी बेटी को बहुत खुश रख सकते हो, हमको ये शादी मंजूर है। थैंक यू सो मच अंकल। मैं बहुत खुश हूं कि अंकिता मेरी वाइफ बनेगी। थैंक यू बेटा। मैं हमेशा सोचता था कि अंकिता मेरी वाइफ बने, और आज वो सपना मेरा पूरा हुआ। आखिरकार वो सपना मेरा पूरा हुआ। मैं हमेशा इसका साथ दूंगा और हमेशा इसके साथ रहूंगा। आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन बेटा बेटा, उस पापी को नहीं छोड़ू, हम पुलिस में कंप्लेंट करते हैं बेटा। अंकिता की माँ, हाँ, तुम्हें खाता ना, भगवान एक दरवाजा बंद करता दूसरा खोल देता है। अंकिता की माँ, भगवान जैसा लड़का आया है हमारी लड़की को अपनाने के लिए, इसके साथ क्या क्या हुआ सब कुछ भुला कर। बेटा तुम हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हो। नहीं अंकल, उपकार नहीं, मैं तो इससे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। अब हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। और बेटा हमें चलना पड़ेगा पुलिस स्टेशन में, कंप्लेंट करना पड़ेगा बेटा, उन पापियों को सजा दिलानी पड़ेगी बेटा। पुलिस स्टेशन जाने की क्या जरूरत है बेटा? जरूरी है अंकल, हमारी बदनामी होगी। नहीं बेटा, छोड़िए अंकल। बेटा हम क्या कर सकते हैं अब? उस कंप्लेंट लिखाना पड़ेगा बेटा। कंप्लेंट लिखाते हैं लेकिन? नहीं पापा, पुलिस स्टेशन बदनामी होगी पापा। बेटा बदनामी के डर से हम उन पापियों को हम छोड़ नहीं सकते। उन लोगों ने तुम्हारा जीवन बर्बाद किया है, कल किसी और का जीवन बर्बाद करेंगे उन लोग। ऐसे लोगों को समाज में जिंदा रहने का हक नहीं है पापा, उनको फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। चलो बेटा हम पुलिस कंप्लेंट करते हैं। चलो अंकल, अंकल, चलो, अरे अंकल, चलो, अंकल मेरी बात सुनिए ना, अंकल मेरी बात सुनिए पहले, जाने दीजिए। नहीं बेटा हम उनको छोड़ेंगे। अरे अंकल जी, अंकल जी, अरे बुड्ढे, ये क्या कर रहे हो तुम? अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी, अरे कब से बोल रहे हैं ना आपको, नहीं समझ में आ रहा है? कहाँ जा रहे हैं पुलिस के पास? हाँ पुलिस के पास जाओगे? हे तुम्हारी बेटी के साथ रेप हुआ है। अरे बुढ़ाओ, ये हमने झूठ बोला है। हाँ हमने झूठ बोला है क्योंकि ये हमारा प्लान था। पापा आप तो राजी ही नहीं है हमारी शादी के लिए, तो फिर क्या करते आप बताओ? क्या बेटा? आप पर तो जुनून चढ़ा हुआ है, जातिवाद का, धर्म का, पैसे का। और हाँ एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं थी पापा। बेटी तुम इतना गिरोगी, हमें भरोसा नहीं था। और जैसे ही आपको पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो बहुत आसानी से मुझे इसके मथे मरने के लिए तैयार हो गए। क्या बोले? और तभी मुझे एक आइडिया आया। Thank you.
हाय जान, बताओ क्या हो गया, ठीक हो ना तुम? रवि, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली बात यह है रवि, कि मैंने पापा से बात की थी हमारे रिश्ते के लिए, मगर वो तो माने नहीं, क्योंकि तुम ब्राह्मण नहीं हो ना। बहुत गुस्सा कर रहे थे पापा, लेकिन बोल रहे थे कि वो किसी भी छोटी जात के लड़के को अपने घर का दामाद नहीं बनाएंगे। उन्होंने तो, मैं क्या बताऊं रवि, इतना चिल्ला रहे थे मेरे ऊपर। मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, किससे बोलूं। मैं भी बहुत परेशान हूँ यार, अब हम क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंकिता, मैं तुम्हारे बिना सच में नहीं रह पाऊंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं, तुम ही बताओ ना। रवि, समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या करें बोलो। मेरे पास एक रास्ता है, लेकिन रवि, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। यस डियर, ऑलवेज विथ यू। ठीक है, अगर तुम मेरे साथ हो तो फिर मैं देखती हूँ कि हमारी शादी कैसे नहीं होती और हमें कौन रोकता है। बस तुम देखते जाओ। पक्का। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। और फिर मैंने प्रेग्नेंट होने का नाटक किया। क्या तुम, ये सब, ये हमारी बेटी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। हाँ पापा जी, अरे ऐसी बेटी मर जाती कोक में तो ज्यादा बेहतर था। मैं नाटक कर रही थी, ये जो रेप है ना, रेप, कुछ नहीं हुआ ऐसा। तुमने हमें, ठीक है, मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अरे हम इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। सुनो तो, तब नहीं छोड़ोगे ना जब जिंदा बचोगे, हम जब बचने ही नहीं देंगे तो छोड़ोगे कैसे, कैसे बच, चल मार बेटा। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। माँ माँ माँ, काही की माँ, कितनी बार रिक्वेस्ट की तुमसे मैं कि रवि से मेरी शादी करा दो, शादी करा दो। तुम्हें मरना ही होगा, जब तक तुम लोग रहोगे ना तब तक हमारी शादी नहीं हो सकती। बोला था ना पुलिस के पास मत जाओ, पुलिस के पास जाएगा, अब तुम मर, समझा? अब तुम जन्नत में जाओ बेटा, जन्नत में जाओ। हमने हमने तो इसे मार दिया, अब क्या करेंगे? पुलिस को पता चल गया तो हमें जेल हो जाएगी। इससे पहले किसी को पता चले हम यहाँ से भाग चलते हैं, चलो। कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज होता है, लेकिन अंकिता और रवि ने जो कुछ किया वो बिल्कुल नाजायज किया। जिस माँ बाप ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें ही मौत के घाट उतार कर वो अपना आशियाना बनाने चली थी। आज अंकिता और रवि सलाखों के पीछे हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें। अलर्ट इंडिया, जुर्म के खिलाफ।